ये जो सनम के सपने में खोए रहते हैं, ये जो सनम के सपनों में खोए रहते हैं, अब उन्हें ढूंढ कर कौन बताए कि तुम जैसे कई हंसी उसकी बाहों में सोए। आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम FET जो कि हमारा कॉलेज है उसकी क्लास में है, यहाँ पे देख रहे हैं, और इंजीनियर्सों का जो है आज रिव्यू लेने वाले हैं। इस कॉलेज में आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है उन लोगों को, और क्या कमियाँ यहाँ पे नजर आई, और क्या प्लस पॉइंट यहाँ पे इन लोगों को दिखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूछने वाले हैं यहाँ पे शुभम से। तो शुभम तुम बताओ, तुम सोचा था यहाँ पे लड़की होगी कि नहीं होगी, तुमको पता था? उम्मीद था लेकिन नहीं मिली। उम्मीद था लेकिन नहीं मिली। हाँ, तो तू यशवंत तुम बताओ, यहाँ पे तुमको लड़की नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना पर हम आंदोलन करना चाहते हैं कि हम लड़कियाँ लाएं और जल्दी से जल्दी। अच्छा, कोई नहीं, मतलब तुम सोचा था कि नहीं यहाँ पे लड़की होगी कि नहीं, तुमको पता था यहाँ पे लड़की नहीं है? नहीं पता था, हमें पता था तो हम यहाँ आते। अच्छा, मतलब लड़की नहीं रहती तो नहीं आता तुम? नहीं आते। अच्छा चलो, अब पता चल गया। हाँ, तो अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? अब कैसा फील हो रहा है अंदर से? हाथ का उपयोग ज्यादा हो रहा है, बोल दो बता। बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है। अच्छा, बुरा महसूस हो रहा है। अब तुम दुष्यंत बताओ, यहाँ का एनवायरनमेंट तुमको कैसा लगा? टीचर का बिहेवियर और मतलब यहाँ का जो है एनवायरनमेंट कैसा लगा यहाँ का? यहाँ के कॉलेज में ही GFTI नाम है, बस लाइफ में GF नहीं होने वाली, इतना ही कहना चाहेंगे। ये जो आज कल के लड़के इश्क लिखना क्या सीख गए, अब हमें ये इश्क करना सिखाएंगे। ये जो आज कल के लड़के इश्क लिखना क्या सीख गए, अब हमें ये इश्क करना सिखाएंगे, अब उन्हें कौन बताए कि हमने इम्तहान दिए हैं इश्क में। भाई अंदर से बोल रहा है, अपना अंदर वाला वो निकाल रहा है। दूसरी साइड यूं जो आ जाती है इश्क के नाम पर चेहरे पर हंसी, यूं जो आ जाती है इश्क के नाम पर चेहरे पर हंसी, वो समझते हैं इश्क करना नहीं आता, अब उन्हें कौन बताए कि इस हंसी ने किसी हसीन को बुलाया है। दूसरी नज में ये जो सनम के सपने में खोए रहते हैं, ये जो सनम के सपनों में खोए रहते हैं, अब उन्हें ढूंढ कर कौन बताए कि तुम जैसे कई हंसी उसकी बाहों में सोए। अभी पूछते हैं लड़की के पॉइंट पे इसका क्या व्यू है? आ जा यहाँ पे। तुमको एडमिशन लेने से पहले पता था लड़की है या नहीं इस कॉलेज में? पता होता तो नहीं। एकदम नहीं? एकदम नहीं। आ लेने के बाद कैसा मन हुआ? मेडिकल कॉलेज का चक्कर काटना पड़ रहा है लड़की ना होने से। और 10 दिन के बाद सेमेस्टर, मतलब इंजीनियरिंग का मार के रख लिया है। हर महीने पेपर। इंजीनियरिंग करने आया है भाई, इंजीनियर पेपर। हाँ हाँ, वी हैव टू। देखिए इसको 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 कोई काम मिलता नहीं, सारा फोटो ले रहा था अभी। ये छोटा डॉन, चलो। और यहाँ पे अब हम पूछने वाले हैं सुमित से। तुम बताओ, तुम सोचा था यहाँ पे लड़की होगी कि नहीं होगी? तुमको पता था लड़की नहीं है यहाँ पे, फिर भी आ गया है? मतलब तुमको सख्त लौंड रहा है ये, इसको कोई मतलब ही नहीं है लड़की हो या ना हो। सोचा तू बताया ना, तुमको क्या पता था लड़की होगी या नहीं होगी? नहीं, एडमिशन से पहले तो पता ही था कि लड़की नहीं रहेगी। अच्छा, फिर भी एडमिशन ले लिया? पढ़ने आया कॉलेज। अच्छा, पढ़ने आया है, लड़की पटाने नहीं आया है? नहीं, इधर काम नहीं करते, एक बस एक बार करते। और तुमको यहाँ पे टीचर सब कैसा लगता है? टीचर सब अच्छे हैं, लेकिन और अच्छे हो सकते थे। अच्छा, और अच्छे हो सकते थे। तू बता, तुमको क्या पता था लड़की है या नहीं है? पता था लड़की है, लेकिन सेपरेट कैंपस है, पता था। अच्छा। इतना सेपरेट है कि 200 किलोमीटर दूर है, मालूम नहीं था। हाँ। सेपरेट कैंपस था, इतना मालूम था कि सेपरेट कैंपस है, लड़का का अलग लड़की का अलग, लेकिन लड़की का सेपरेट कैंपस इतना दूर का मालूम नहीं था। हाँ। अब यहाँ आ जा, अब तू बता, तुमको लड़की के बारे में यहाँ पता था कि इस कॉलेज में लड़की है या नहीं है, या सेपरेट कैंपस है ये लड़की के लिए? अगर भाई ये बात पता होती हाँ, तो हम पहली बात तो हम कॉलेज नहीं आते। हाँ, ये बात तो सही है। और लड़कियों से क्या है कि एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है। हाँ, लड़की से मोटिवेशन तो मिलता है, ये बात तो सही है। अभी हमें बैग का डर है। हाँ, अभी असाइनमेंट खुद लिखने पड़ रहे हैं। हाँ, सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। लड़की होती तो हम करवाते करवाते करता नहीं करता नहीं
तो भाई लड़की से मेन चीज है अपना काम थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, मतलब निकाल लेते हैं। हम कहाँ से मोटिवेशन ला रहे हैं, बाकी मोटिवेशन तो हम ये देख के लिए आते हैं अभी फिलहाल। तो अब तुम बता, तुमको पता था यहाँ पे लड़की है या नहीं है? हाँ भाई पता था, ये तो गुरुकुल के नाम से पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे लड़की नहीं है। लड़की तो है लेकिन सेपरेट कैंपस है, लड़की के लिए अलग है ना, वो तो गुरुकुल से पता लग गई। मेन बात तो यू है कॉलेज ही सबको गुरुकुल मिला है। अच्छा, नहीं तो जाते काउंसलिंग में कॉलेज ही मिला है, फिर भी तुम एडमिशन ले लिया। ले लिए, लड़की से कोई मतलब नहीं है, क्या फायदा जो होता है अच्छे के लिए। जिंदगी में जीएफ नहीं बनाएगा? नहीं, कभी नहीं, खड़ा ही नहीं होता इसका। चलो अब श्रिंग, तुम तो उधर लद्दाख से हो, पूरा ठंडा प्लेस से, तुम बताओ यहाँ पे तुमको पता था लड़की गर्मी कैसे मिलेगी? तुम्हें गर्मी कैसे मिलेगी? आप ठंडे प्लेस हो, आपको गर्मी कैसे मिलेगी यहाँ पे? ले लिया मुझे वो क्या मिला नहीं कोई। अरे पढ़ाई करने तो पढ़ाई करने के लिए लेकिन ले लिया ये। अब तू बता, यहाँ का एग्जाम पे एग्जाम लिया जा रहा है, शिवांकर बताएगा, एग्जाम पे एग्जाम लिया जा रहा है। अभी सेशनल हुआ है, फिर सेकंड सेशनल हो रहा है, अब सेमेस्टर होगा। तुम क्या बोलना चाहता है इसके बारे में? होना चाहिए था, थोड़ा टाइम लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, ऐसे पास कर लोगे। अरे यार लॉकडाउन होता काश। अब यहाँ पे हमारे बीच सबसे पहले आकाश हैं, इनको पूछते हैं, ये बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। बताओ बिहारी लड़का तो एकदम सख्त होता है, उसको पढ़ाई से ज़्यादा मतलब लड़की से कम होता है, ये कहाँ तक सही है ये बता? सिक्स एक्सटेंड तक सही भी है लेकिन एक टाइम पे लड़की की ज़रूरत पड़ती है। लड़की की तो ज़रूरत पड़ती है, ये बात क्या ही कर सकते हैं, कॉलेज में तो कुछ है नहीं। हाँ हाँ, अब तो काटना ही है, मान लो सकते हैं। बगल में कन्या गुरुकुल होती तो कैसा क्या बात होता भाई, क्या बात होता, बहुत अच्छा होता। अब अंक करने में बहुत मज़ा आता है। बता एग्जाम पे एग्जाम लिया जा रहा है तो क्या कहना चाहता है इसके बारे में? नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितना टाइम लेना चाहिए था? असाइनमेंट के ही नंबर दे के पास कर देना चाहिए। अरे लौंडा सख्त है। अब तू बता कुछ एग्जाम के बारे में, ऐसे जो जल्दी जल्दी एग्जाम ले रहा है इससे हम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कोई मतलब इनिशियल डेवलपमेंट नहीं हो उसमें, पूरा ही मतलब से डिग्री के लिए यहाँ पर बल्कि अंदर से प्लेसमेंट वगैरह नहीं सही, अंदर से डेवलप नहीं हो पाया कोई वजह। अच्छा, लड़की होना जरूरी था, डिग्री के लिए हो सकता है बल्कि अंदर से डेवलप नहीं हो। लड़की होना जरूरी था या नहीं? फर्स्ट प्रायोरिटी सही बात बोला एकदम। आज आ इधर, दो चीज है प्लेसमेंट और लड़की, दोनों में से एक तो होनी चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं है, लड़की है कॉलेज में। अरे बोला है लड़का, बोला है, आ जा इधर। प्रायोरिटी तुम्हारे ऊपर, लड़की चाहिए प्लेसमेंट। अब हमारे क्लास में जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं इनसे पूछा जाए कुछ कुछ सवाल। बताओ एग्जाम पे एग्जाम दिया जा रहा है, तुम क्या खास कहना चाहता है इस कॉलेज के बारे में? एग्जाम में थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि जो गलतियां हो, एग्जाम लिया हो उसका पेपर रिलीज करना चाहिए ताकि मार्क्स से पता चले कि आगे और तैयारी अच्छा से करनी चाहिए। वैसे एग्जाम देता फिर एग्जाम होता है फिर अभी तक कॉपी नहीं मिला है, ये गलत है। अच्छा, अब लड़की के व्यू पे तुम क्या बताना चाहेगा? लड़की होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लड़की जरूर होना चाहिए, इंजीनियरिंग में लड़का लोग सोचता है ट्वेल्थ के बाद ही कॉलेज में सब करेगा और पता चला लेकिन नहीं कर पाता है, कट गया यहाँ आके सबका। तू बता मैं, तुम्हारे हिसाब से लड़की होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए, होनी चाहिए थी। टीचर्स को दुखी हैं, टीचर्स को दुखे हैं। अब मान लो मैम होती तो मैम को पढ़ाना चाहता? कुछ ना मिले तो कुछ तो मेहनत चाहिए। अरे कुछ ना कुछ में तो काम चलाता ही, ये भी लड़का सख्त है एकदम। और अब है मेहुल, मेहुल को देखते हैं। तू बता क्या? तुम्हारे हिसाब से तुमको पता था लड़की है या नहीं है? हाँ। फिर भी एडमिशन लिया, मतलब लड़की से कोई मतलब नहीं? सख्त लौंडे हर जगह नहीं पिघलते। ओ भाई बोला है सख्त लौंडे हर जगह नहीं पिघलते हैं। और लड़की की बात ऐसी है, लड़की जब चाहे जब पट जाए, लेकिन उस चीज में हम जाना नहीं चाहते, उस चीज में नहीं जाना चाहते, करियर पे फोकस करना चाहता है ये लड़का एकदम बवाल है। जैसा कि भाई साहब आपने सबसे सवाल पूछ लिया, आप बताइए आपके हिसाब से लड़की होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई एकदम होनी चाहिए थी, बिना लड़की का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, करने वाला होना चाहिए, सही बात भाई, पर करने वाला होना चाहिए। लड़की जरूरी है कि मतलब यही हो मिलेगी? देख हमारे लड़की ना होने का सबसे बढ़िया कारण हमारे कॉलेज में अभी तक लड़ाई नहीं हुई है आज तक। हाँ ये तो मानते हैं लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन तुम पर्सनैलिटी जैसे तुम बोलने का है ये तुम हर जगह नहीं बोल सकते। अरे आपका फायदा है भाई, आप बिना नहाए आ जाते हो, लड़की ना बिना नहाए, ये सही है लेकिन अब हर जगह तो ऐसा होता नहीं है कि लड़की नहीं हो, लड़की कहीं कहीं तो मिलेगी ही मिलेगी। अब मान लो कहीं सेमिनार में गए, प्लेसमेंट सेल में गए, वहाँ लड़की मिल गई तो क्या करोगे? एक एटमोस्फेयर बना हुआ रहता है तो तुम्हारा पर्सनली डेवलपमेंट अंदर से होता है। चलो तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप बताइएगा जरूर और कमेंट कीजिएगा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत।